वेलकम स्टूडेंट टुडे वी लर्न क्लास फोर चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस दैट इज ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड प्लांट आर लिविंग बिंग्स प्लांट क्या होते हैं लिविंग बिंग्स होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव सब्स्टांस इन देयर लिप्स दैट इज ग्रीन इन कलर बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं ग्रीन कलर होते हैं क्योंकि उसमें जो एक सब्सटांस पाए जाते हैं उसके लिप्स में वो उसके कलर को दैट इज ग्रीन कलर जो कि कलर कैसा होता है उसका ग्रीन होता है दे मेक्स देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन विंग्स वो क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं और वो जो खाना बनाते हैं वो किसे प्रोवाइड करते हैं प्लांट एंड एनिमल और ह्यूमन विंग्स को लेटेस्ट नो हाउ अब जानते हैं कैसे फूड मेकिंग्स इन प्लांट अब खाना कैसे बनता है प्लांट में उसके बारे में जानेंगे प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्राम द सॉयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एयर प्लांट जो है जो अपना खाना बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं वाटर्स एंड वाटर जो कि उसको सॉयल से मिलते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और एयर से उसे क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो इस इस प्रोसेस से वो क्या बनाते हैं खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये सब किसके प्रेजेंस में हो, होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन लिप्स क्या करता है ग्रीन लिप्स पुट टुगेदर ये दोनों को पुट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को दोनों को पुट करता है एंड कन्वर्ट इनटू फूड और उससे वो कन्वर्ट करके क्या बना देता है फूड और सिंपल सुगर और सिंपल सुगर बना देता है सो लिप्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट इसीलिए लिप्स को क्या बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट्स प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस प्लांट क्या करता है इस इससे जो जो प्रोसेस होता है जिसे वो खाना बनाता है इस बीच वो कौन सा ऑक्सीजन वो उसमें क्या रिलीज करता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है टू अंडरस्टैंड हाउ लिप्स मेक फूड फॉर द प्लांट लेटेस्ट डिस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव मतलब अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे लिप्स क्या करता है अपना खाना बनाता है तो लेटेस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिप तो हम लोग क्या करेंगे उसके कुछ फंक्शंस है पार्ट लिप्स के जो कुछ पार्ट ऑफ फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ लिप अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे लिप्स का पार्ट्स द फ्लैट पार्ट्स और ऑफ ए लिप्स इज लि ब्लेड जो लिफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लोग लीव, उसे हम लोग लिव ब्लेट कहते हैं ये आ, ये लिप्स है इस लिप्स का जो फ्लैट पार्ट पार्ट है उसे हम लोग लिव ब्लेड बोलेंगे लिफ इज अटैच टू द स्टेम बाई अ स्टॉक लिफ क्या होता है स्टेम लिफ क्या होता है अटैच होता है जुड़ा होता है एक स्टेम से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक ये है हमारा स्टॉक इससे हमारा क्या करता है लिप्स जुड़ा होता है स्टेम से ईच लीफ जनरली हैज़ वन मेन वेन कॉल मिड रिप और हर हर एक पत्ती का क्या होता है एक मेन वेन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेन वेन और मिड रिप द मिड रिप एंड द साइड वेन हेल्प इन ब्रिंगिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम और जो मिड रिप होता है एंड साइड वेन वो दोनों क्या करते हैं वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने में मदद करते हैं अस्टेम से एंड कैरिंग आउट द प्रिपेयर फूड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट और अगर और जब खाना बन जाता है लिप्स में तो वही कैरी कर करके सारे अदर प्लांट्स को भी सारे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को भी क्या करते हैं प्रोवाइड करते अंडर साइड ऑफ द लीव्स हैज मेनी टनी ओपनिंग्स कॉल अस्टोमाटा दो जो अंडर साइड ऑफ द लीफ लीफ के जो अंदर में होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे टिनी ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एस्टोमाटा बोलते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप दिस किडनी सेप्ड ओपनिंग है कैन बी सीन क्लियरली जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे लिप्स को ना तो उस पर क्या होगा कि किडनी वीन्स के जैसा किडनी सेप के जैसा क्या होगा कि कुछ किल, आ, साफ साफ उसका क्या दिखेगा हमको सेप दिखने लगेगा कब जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तब द अस्टमाटा हेल्प इन एक्सचेंजिंग द गैसेस अष्टमाटा क्या करता है गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है यहाँ देखो ये लिप्स है इस लिप्स को क्या कर रहा है द दो थ्रू पोर्स ऑफ एस्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटर द लिप्स अस्टमाटा के पोर्स के कारण क्या होता है ना कि जो लिप्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं और पानी दोनों इंटर करते हैं इस लिप्स के कारण और वही लिप्स में एक पोर्स होता है उसी को हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं ये ये देखो किडनी वेंस किडनी सेप के जैसा हमें कब दिखेगा जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तब हाउ डू लिप्स प्रिपेयर फूड अब लिप्स uh, खाना कैसे बनाता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्लांट इज नोन एज फोटो वैसा प्रोसेस जिससे वैसा प्रोसेस ऑफ खाना बनाने के जो प्रोसेस होता है प्लांट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटो बोलते हैं द वर्ड फोटो सिंथेथिक्स कंजिस्ट ऑफ टू वर्ड्स फोटो एंड सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस का जो बर्ड है वो दो बर्ड से बना जो है जो कि है फोटो एंड सिंथेसिस फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर थर्स प्लांट पुट टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड थर्स प्लांट क्या करता है पुट टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है टुगेदर पुट करता है और किसके प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में तब वो क्या बना लेता है अपना खाना बना लेता है प्लाट्स प्रिपेयर देअर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सुगर प्लान क्या करता है अपना खाना बनाता है किसके प्रजेंस में इन द फॉर्म ऑफ प्लान क्या करता है अपना खाना स्टार्च और सुगर के फॉर्म में बनाता है ए पार्ट ऑफ विच इज़ यूज फॉर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ़ द प्लान एंड एक्स्ट्रा इन स्टोर इन अदर लिप्स वो वैसे पार्ट वो क्या करता है कि खाना उसका जो यूज होता है वो डेली रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है और जो बच जाता है खाना वो उधर उसको टोर दूसरे लीव्स में क्या कर देता है स्टोर कर देता है दूसरे लीव्स में हो गया फ्रूट्स में स्टेम में रूट्स में और प्लांट में जो उसका खाना होता है डेली बेसिस पे वो वो उसका डेली रिक्वायरमेंट पे वो यूज़ कर रहता है और जो बचा हुआ रहता है उसे कहाँ भेज देता है जाता? लिप्स में फ्रूट्स में स्टेम में और रूट्स में और रूट्स ऑफ द प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस गोज इन टू द एयर और इस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ चला जाता है एयर में ये देखो ये हमारा प्लांट्स है वो क्या कर रहा है ये फोटो सिंथेस दिखा रहा है जिसमें एक प्लांट क्या कर रहा है उसको क्या चाहिए सनलाइट uh, की हेल्प से वो क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम द सॉयल लेने के बाद वो क्या कर रहा है फोटो सिंथेस कर रहा है और इस प्रोसेस में क्या कर रहा है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है एक एक्टिविटी है टू टेस्ट द ओनली लिप्स कैन वी प्रिपेयर फूड मतलब टेस्ट करना है कि ओनली ग्रीन लिप्स उसमें यह पता चलेगा कि ओनली ग्रीन ग्रीन लिप्स क्या करते हैं खाना प्रिपेयर करते हैं टेक ए क्लोज लिप्स एक क्या करें एक क्लोज क्या कर रहा है कि उसका दो कलर होता है सीट ऑफ दया करना है एक सीट के पेपर पे क्या करना है आउटलाइन ड्रा करना है मेक द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया और उसमें से क्या करना है कुछ एरिया जैसे कि ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया को क्या करना है मार्क कर देना है बॉयल द लिफ बॉइल द लिव फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल लिप को क्या करना है पानी में उस लिव को क्या करना है बॉयल uh, करना है पानी में एंड देन उसके बाद अल्कोहल में वॉश द लीफ एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट वास लीफ को क्या करना है वॉश करना है और उसमें कुछ आयोडीन का ड्रॉप डालना है द कलर ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स विल चेंज इंटू ब्लू ब्लैक और जो ग्रीन ग्रीन पार्ट का जो लीव होगा लीव का जो ग्रीन पार्ट होगा वो कैचे में चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में वाइल नन ग्रीन पार्ट विल रिमेन अनचेंज और जो नन ग्रीन का प्लांट जो नन ग्रीन पार्ट होगा वो चेंज हो नहीं होगा दिस सोज द फूड इज प्रिपेयर ओनली इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द ग्रीन लिव ये क्या शो करता है कि जो खाना प्रिपेयर होता है वो किसके प्रजेंट में होता है क्लोरोफिल ग्रीन लिव्स में खाना जो बनता है वो किसके प्रजेंस से होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहते हैं किसको है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं यहाँ देखो ये लिप्स है लिप्स को क्या किया बॉयल किया पानी में और लिप्स को बॉयल करने के कर बाद फिर से वो एल्कोहल में बॉयल किया एंड एंड एड आयोडीन ऑफ द लिप उसमें आयोडीन डाला है और कलर क्या हो गया है चेंज हो गया जो कि ब्लू ब्लैक कलर में एक्टिविटी टू है एक्टिविटी टू है टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इस एक्टिविटी में ये दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है सनलाइट इज नीडेड मतलब फोटोसिंथेटिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है प्लेस ए प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन सेट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एक पॉटेड एक प्लांट को क्या करना है पॉट से जुड़ा हुआ प्लांट को क्या करना है कि छ में चौबीस घंटे के लिए रख देना है कवर वन ऑफ इट्स लिप विद द ब्लैक स्ट्रिप और उसको एक एक लिप्स को ना क्या करना है कि ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर देना नाकि दिस पॉटेड प्लांट अगेन इन सनलाइट उसके बाद क्या करना है वो पॉटेड प्लांट जो प्लांट गमले में जो प्लांट है उसको फिर से सनलाइट में रख देना है प्लस द कलर्ड लिप, कवर्ड लिप और वो उस पत्ते को तोड़ लेना है जिसको तुम पहले एक ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया था वाइल इट फर्स्ट इन वाटर उसके बाद क्या करना है कि पानी में उसको उबालना है देन इन अल्कोहल फिर उसको अल्कोहल में बॉइल करना है वॉश द लिफ अंडर वाटर उसको पानी के, के नीचे क्या करना है धोना है एंड पुट ड्रॉप ऑफ आयोडिन ऑनिट और उसमें कौन सा ड्रॉप देना? देना है आयोडिन का ड्रॉप देना है द कवर पार्ट ऑफ द लिप्स डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक एज देर इज नो स्टार्स इनिट जो कवर्ड पार्ट होगा लिप्स का वो ब्लू ब्लैक में कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ कोई स्टार्स नहीं है दिस दो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सन लेट ओनली ये प्रोसेस ये जो प्रोसेस हुआ इसे क्या पता चलता है कि फोटो के कब होगा जब उसमें सनलाइट का सनलाइट पड़ेगा तब देखो ये पॉटेड प्लांट है इसको क्या कर दिया धूप में इसको पहले छाव में रख दिया ट्वेंटी फोर आवर के लिए उसके बाद उसे उसके बाद उसे ट्वेंटी फोर आवर के रखने के बाद उसे फिर से धूप में रख दिया उसको एक ब्लैक स्टेप से लपेट कर उसके बाद उसे क्या किया है लीफ को बॉइल कर दिया पानी में फिर अल्कोहल में बॉइल किया है फिर उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाला है और जो uh, कलर जिसको वो स्ट्रिप करके रखा था वो वाला पार्ट्स क्या हो गया कलर चेंज नहीं हुआ और बाकी अदर पार्ट्स क्या हो गया उसके uh, ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया हाउ प्लांट यूज देयर फूड अब प्लांट अपना खाना कैसे यूज करता है द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर इज यूज टू गेट एनर्जी फॉर एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है लीव्स वो किसके फॉर्म में होता है ग्लूकोज और सिंपल सुगर और वो क्या करता है उससे यूज टू गेट एनर्जी वो उससे वो एनर्जी गेट करता है किस लिए प्लांट को ग्रो करने के लिए द रिमेनिंग फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव और बाकी जो बचा हुआ होता है खाना वो क्या कर देता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर स्टोर कर देता है और रूट्स और फ्रूट और उसको आ, किस किस फॉर्म में स्टोर किया लीव्स के अस्टेम के रूट्स और फ्रूट्स के द फूड इन फ्रूट्स रूट्स लीव्स एंड स्टेम इज रिटर्न बाय द एनिमल जो वो फूड स्टोर किया रूट्स में फ्रूट्स रूट में फ्रूट्स लीव्स में स्टेम में वो सब क्या होता है एनिमल के द्वारा खाया जाता है ड्यूरिंग द द प्रोसेस ऑफ फोटो द सन एनर्जी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रोसेस फोटोसिंथेसिस uh, के प्रोसेस में जो सन का एनर्जी होता है वो कैची में ट्रैप्ड हो जाता है उसको फूड में ट्रैप्ट कर देता है दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट और ये एनर्जी हम लोगों को फूड के फॉर्म में हम हम लोगों को प्लांट से मिल जाता है ये फूड स्टोर इन लिप्स ये हमारा फूड है वो लिप्स uh, में है जिसे हम लोग क्या खाते हैं लिप्स जैसे कि स्पिनाच कैबेज ये हम लोग लिप्स uh, के फॉर्म में खाते हैं फूड स्टोर इन अस्टेम अस्टेम के फॉर्म में है हमारा शुगर केन पोटैटो जिंजर ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेम के फॉर्म में खा रहे हैं फूड स्टोर इन रूट अब फूड चीज़ के में स्टोर है मेरा रूट्स में और इसे हम लोग कैसे फॉर्म में खा रहे हैं रूट्स में जैसे कि कैरट और रेडीज फ्रूट स्टोर इन फ्रूट्स अब कुछ फ्रूट कुछ फूड उसका फ्रूट्स में स्टोर है ये हमारा कुछ फ्रूट्स है वो हम लोग डायरेक्ट खाते हैं फूड स्टोर इन सीड और बहुत सारा फूड क्याची में स्टोर हो गया सीड्स में स्टोर हो गया जैसे कि यहाँ पे वॉलट कैस नज़र आ रहा है अब एक्टिविटी थर्ड मेरा क्या है टू टेस्ट द परजेंस ऑफ अट्टार्च इन द लिप्स अब हमें क्या करना है कि उसके लिप्स uh, का uh, क्या देखना है कि लिप्स में स्टार्च है या नहीं उसके वो क्या करना है उसको टेस्ट करना है टेक ए लीव ऑफ एनी हेल्दी प्लांट्स क्या करना है कि कुछ एक लीव्स लेना है वो हेल्दी प्लांट से एक लीव्स लेना है बॉयल द लीव फर्स्ट इन वाटर पहले क्या करना है वाटर में उसको बॉयल करना है देन इन अल्कोहल फिर उसको अल्कोहल में बॉयल करना है बॉयल द लिफ थॉर उसके बाद लिप को क्या करना अच्छे से उसको बॉयल uh, करने के बाद वास अंडर द कोल्ड वाटर उसके बाद उसको, उसको कोल्ड वाटर में क्या करना धो लेना है टेक दिस लिप इन द डिस्क उसके बाद उसे एक डिस्क में रखना है लिप्स को पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन और नीट उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन का देना है द कलर ऑफ द लिप विल चेंज इन टू ब्लू ब्लैक कलर और जो कलर होगा लिप्स का वो कैचे में चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में दिस टोज दैट द फूड प्रिपेयर वाई लिप्स ड्यूरिंग फोटो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च तो ये इससे क्या शो होता है कि जो खाना बनता है लिप्स में वो फोटोसिंथेसिस के समय वो क्या चीज़ में फॉर्म होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में देखो यहाँ पे लिप्स है हेल्दी लिप्स उसको पहले बॉयल किया है फिर उसको अल्कोहल बॉयल किया फिर उसको थॉरली अच्छे से बॉयल किया है फिर उसको लिप्स को धो दिया है धोने के बाद उसे एक डिश में रख दिया डिश में रख कर उसमें आयोडीन का सोल्यूशन डाला है तो उससे क्या हो गया कि कलर हो गया लिप्स का ब्लू ब्लैक सम स्पेशल प्लान्ट प्लांट्स लाइक मॉल्स मशरूम एंड फंगी आर नॉन ग्रीन प्लाट प्लांट जैसे कि हो गया मॉल मशरूम और फंगी ये सब कौन सा प्लांट होता है नॉन ग्रीन प्लांट होता है दे डो नॉट हैव क्लोरोफिल उसमें क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता है सो दे डोंट के सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देअर ओन फूड इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं दे गेट देअर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेन मैटर वो क्या करते हैं अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं सम प्लान्ट लाइक काटन हैव कलरफुल लिप्स कुछ प्लान्ट जैसे कि हो गए कॉटन उसके क्या होता है कलरफुल लिप्स होते हैं ज़्यादातर वो रेड कलर दिखेंगे दीज लिप्स हैव क्लोरोफिल बट देट इज हिडन वाई द अदर कलर इसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन वो कलर वो हिडन होता है छुपा होता है अदर कलर में सो दीज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रजेंस ऑफ सन लाइट इसीलिए ये सारे जो प्लांट्स होता है वो खाना प्रिपेयर करता है किसके प्रजेंस में सन लाइट के फॉर्म प्रजेंट्स में ये हमारा मसरूम यह है मॉल्स ये, ये फंगी और कॉटन ये सब स्पेशल प्लांट्स है जो अपना खाना प्रिपेयर तो करता है बट क्या ये ये लोग अपना खाना प्रिपेयर नहीं करता है ये लोग क्या करता है कि ये लोग डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना खाना प्राप्त करता है प्लांट्स लाइक डॉडर अमरावेल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड प्लांट लाइक डॉडर डॉडर का जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट वो क्या करता है कि ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है दे यूज द फूड प्रिपेयर बाय अदर ग्रीन प्लांट्स वो क्या करता है जो फूड प्रिपेयर किया ग्रीन प्लांट्स उसको क्या यूज कर लेता है दे आर पैरासिटिक प्लांट्स और वो लोग कैसा प्ला, कैसा प्लांट होता है पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स लाइक कैक्टस लिप्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस प्लांट्स जो जो कैक्टस oh, के और लिप्स रिड्यूस क्या करते हैं उसमें से स्पाइन काटे निकल जाते हैं सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टोर द फूड टेक्स प्लेस इन द स्टेम्स ओनली इसलिए जो प्रोसेस होता है जब उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो अपना खाना स्टेम में ही स्टोर है, करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑन प्लांट एंड एनिमल प्लांट और एनिमल क्या होता है एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन ईच अदर इन द वेरियस फॉर्म फॉर द वेरियस वे फॉर द देयर सर्वाइवल प्लांट और एनिमल क्या करते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि इसलिए वो बहुत सारे वेज में डिपेंड करते हैं वो अपना वेज टू सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे पे क्या होता है डिपेंड होता है एज अ ग्रीन प्लांट आर द मेन फूड प्रोड्यूसर जैसे कि ग्रीन प्लांट क्या होता है कि मेन फूड प्रोड्यूसर होता है दे आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन वो क्या करते हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन एनिमल क्या करता है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन uh, से सांस लेता है वो एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड और उससे क्या छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नीडेड बाप्रांड जो कि प्लांट्स को जरूरत होता है किस लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए आल्सो एनिमल हेल्प प्लांट इन डिस्पर्सिंग देयर फूड आल्सो एनिमल क्या अच्छी में हेल्प करता है प्लांट को डिस्पर्स करने में इधर से उधर उसके सिर्ट्स को पहुंचाता है तब जाकर के वो प्लांट क्या होता है ग्रो हो जाता है बैलेंस इन नेचर्स ए बैल ए बैलेंस बिटवीन द नेचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट और एनिमल के बीच में जो बैलेंस होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ द नंबर्स ऑफ एनिमल्स इंक्रीज प्लांट्स में नॉट बी एबल टू अप्लाई एबल टू सप्लाई इन अ फूड एंड ऑक्सीजन टू द ऑल एनिमल अगर एनिमल का एनिमल ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्लांट क्या कर पाएगा वो उसके लिए खाना उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और ना ही वो ऑक्सीजन इतने सारे एनिमल के लिए प्रोवाइड कर पाएगा इफ़ देर इज इफ़ देअर इज इफ देअर इज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट अगर हम मेरा प्लांट्स बढ़ जाता है द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाई द एनिमल्स मे नॉट इनफ फॉर द प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड से वो जो एनिमल को सप्लाई कर रहा है मे नॉट वी इनफ फॉर द प्लांट्स तो हमारे प्लांट्स के लिए क्या होगा इनफ नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे एनिमल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कर पाएगा लेकिन वो सारे प्लाट्स को नहीं दे पाएगा टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर तो नेचर के बैलेंस को मेनटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ हम लोगों को क्या करना है एनिमल और प्लांट्स के दोनों की लाइफ को क्या करना है प्रोटेक्ट करना है मेनी प्रोजेक्ट आर गोइंग ऑन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट एनिमल बहुत सारा प्रोजेक्ट क्या कर, किया जा रहा है बनाया जा रहा है टू तो, वाइल्ड बा, लाइफ और प्लांट लाइफ को क्या करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल आर गिवन अ स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है वाइल्ड लाइफ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है किसके अंदर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर में प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट टू सेव द प्लांट आर आर आरगेनिंग पॉपुलैरिटी और वैसा प्रोग्राम जैसे कि हो गया वन महोत्सव चिपको मूवमेंट आपिको मूवमेंट ये सब क्या करता है कि बहुत सारे प्लांट को सेव करने में ये सारा क्या करता है सेव करता है बहुत सारे प्लांट को द बैलेंस इन नेचर हैज़ टू बी मेंटेन फॉर लाइफ ऑन द अर्थ टू गो ऑन और जो हमारा जो नेचर का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या करना है बनाए रखना है ताकि हमारा अर्थ क्या अच्छे से चल सके थैंक्स